फेस्टिव डिमांड से इन पांच कंपनियों को होगा बंपर मुनाफा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने दी है इनमें खरीदारी की सलाह। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है, पहले दुर्गा पूजा फिर दिवाली पर सबकी निगाहें हैं। इस मौके पर डिमांड में सुधार देखा जा रहा है। जून के तीसरे सप्ताह के बाद बाजार में तेजी की शुरुआत हुई थी। जून लो के मुकाबले निफ्टी में 16%, मिड कैप में 22% और स्मॉल कैप में 18% का सुधार आया है। इस तेजी में FII यानी विदेशी निवेशकों का बड़ा योगदान है। मांग में आ रहे सुधार के कारण इस फेस्टिव सीजन जबरदस्त बिक्री का अनुमान है, इससे कंपनियों को फायदा होगा। इसी को मौके के रूप में देखते हुए एक्सिस सिक्योरिटीज ने 5 शेयरों में मीडियम टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दी है। इन सभी शेयरों के लिए ड्यूरेशन 6 से 9 महीने का रखा गया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने मारुति सुजुकी में खरीदारी की सलाह दी है, इसके लिए टारगेट प्राइस 9,801 रुपए का रखा गया है। इस सप्ताह ये शेयर 9,343 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जबकि ब्रोकरेज ने 8,910 रुपए पर खरीदारी की सलाह दी थी। ऐसे में गिरावट का इंतजार किया जा सकता है। कंपनी का फोकस SUV सेक्शन पर है, मार्जिन बढ़ रहा है और CNG सेगमेंट का विस्तार हो रहा है। दूसरा कॉल बजाज फाइनेंस के लिए है, इसके लिए टारगेट प्राइस 8,250 रुपए का रखा गया है। इस सप्ताह ये शेयर 7,507 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। ब्रोकरेज ने 7,191 रुपए के स्तर पर खरीदारी की सलाह दी थी। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी की असेट क्वालिटी अच्छी है और ग्रोथ के लिए अपार संभावनाएं हैं। SBI कार्ड के लिए टारगेट प्राइस 1,050 रुपए का रखा गया है। इस सप्ताह ये शेयर 915 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, इसके मुकाबले 13% की तेजी संभव है। नेट इंटरेस्ट इनकम में उछाल आ रहा है, असेट क्वालिटी स्टेबल है। क्रेडिट कार्ड के मामले में इसका रेंज बहुत बड़ा है। इसके अलावा रिलैक्सो फुटवियर में खरीदारी की सलाह दी गई है, टारगेट प्राइस 1,120 रुपए का है। ट्रेंट में भी खरीदारी की सलाह है, इसके लिए टारगेट प्राइस 1,530 रुपए का है। इन शेयरों में पहले ही अच्छी तेजी आ चुकी है, ऐसे में सही मौके का इंतजार करें। ब्रोकरेज ने जब खरीदारी की सलाह दी थी तब ट्रेंड का मार्केट प्राइस 1,390 रुपए और रिलैक्सो का मार्केट प्राइस 1,008 रुपए था। वीमार्ट के लिए टारगेट प्राइस 3,350 रुपए का रखा गया है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 3,015 रुपए रखा गया था। वीमार्ट का शेयर इस सप्ताह 2,906 रुपए के स्तर पर है, वर्तमान स्तर के मुकाबले टारगेट प्राइस करीब 16% ज्यादा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक यूजर लिखते हैं, ज्यादा बेचने खरीदने से ब्रोकर हबड़ा कमाता है, हर बार 50 ब्रोकरेज, नफा नुकसान मेहनत शिद्दत सब तुम्हारी, इसका सिर्फ फायदा, बहुत नाइंसाफी है। एक यूजर ने लिखा, जब तक आप बेचो नहीं ना घाटा है ना मुनाफा, होल्ड करे रखी मार्केट तब से अब ऊपर जा रही है। वही एक और यूजर ने लिखा, बिल्कुल सही, ब्रोकर कमाता और अगर आप कमाएंगे तो सरकार अपना हिस्सा पहले ही ले लेगी, ऊपर से सरकार साल एंडिंग में इनकम टैक्स भी लेगी, यानी आप मेहनत करो और सबको पैसा फ्री में दो, इसलिए लॉन्ग टर्म पकड़ो। वहीं एक और यूजर ने कहा, अप्रैल से भटका रहा है ये शेयर। फेस्टिव डिमांड से पांच कंपनियों को होने वाले बंपर मुनाफे के दावे को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहे।